फाइनली पिकअप बैग फीचर आने वाला है नेक्स्ट अपडेट में, और साथ में क्या क्या फीचर आने वाला है जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो हम लोग का 2.0 अपडेट है उसमें क्या क्या चीज़ आने वाला है। मतलब का मैंने आप लोगों को कल बताया था कि पबजी वाले यहाँ पे अनाउंसमेंट करने वाले हैं और अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसमें यहाँ पे अगर वो लोग बात किया कि हम लोग का जो 2.0 अपडेट आएगा उसमें वो लोग क्या क्या देने वाला है, किसके साथ कोलैब होने वाला है, क्या क्या फीचर्स आएगा, सब कुछ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम लोग का लिविक 2.0 आने वाला है, लिविक का फाइनल वर्जन, वो यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पे गाइस आप लोगों को वीडियो दिख रहा है, ये पबजी का ऑफिशियल चैनल पे आ चुका है, जहाँ पे गाइस आप लोगों को लिविक मैप का दिख रहा है लुक। मतलब जो हम लोग का लिविक मैप होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा, और ये फाइनल वर्जन है जहाँ पे गाइस आप लोगों को बहुत सारा न्यू बिल्डिंग्स, बहुत सारा जो लोकेशन है वहाँ पे नेम चेंज होने वाला है, और भाई यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो देख ही सकते हो गाइस क्या ही मस्त लग रहा है, और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ दिखा चुका हूँ, तो जाकर चेक कर सकते हो। अब लोकेशन में तो चेंजेस होने वाला है, बट साथ में हम लोग को मिलने वाला है एक न्यू गाड़ी जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसका नेम है UTV जो कि यहाँ पर रिप्लेस करेगा मॉन्स्टर ट्रक को, और भाई यहाँ पर हम लोग का मिलने वाला है न्यू मैप के अंदर, तो भाई यहाँ पर बढ़िया ही है। साथ में गाइस आप लोगों को मिलेगा वो XT जो का वेपन मिलता था पहले ड्रॉप से, बट वो अब चेंज हो चुका है। अब गाइस आप लोग चाहो तो XT वेपन कर सकते हो अपना मॉडिफाई, जो कि मिलेगा शॉप से परचेज करके, मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो ये भी कंफर्म हो चुका है। और यहाँ पे गाइस ये मैप के अंदर आप लोगों को बहुत सारा लोकेशन मिलेगा हिडन, मतलब बोल सकते हो जहाँ पे क्रेट दिखेगा जिसको आप लोग ओपन कर सकते हो, और ओपन करके कुछ लूट मिलेगा, कुछ क्वाइंस मिलेगा, तो ये भी गाइस यहाँ पे आएगा, तो बढ़िया है। फिर इसी मैप में गाइस हम लोग को ये भी मिलने वाला है जिप लाइन, जो कि गाइस आपको पता हम लोग का एक मोड में आया था, तो ये भी गाइस हम लोग को लिविक के अंदर देखने को मिलेगा। साथ में गाइस कुछ बेरीज होगा मैंने बताया था जिससे आप लोग को बूस्ट मिलेगा, तो ये भी ऐड होने वाला है। फिर जो नेक्स्ट फीचर है वो है इमरजेंसी पिकअप बैग। तो गाइस मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था कि हम लोग का आने वाला है, और फाइनली नेक्स्ट अपडेट 2.0 का अपडेट में ये मिल जाएगा, जो कि बहुत ही रेयर होगा, जैसे हम लोग का फ्लेयर गन होता है, और ये आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो, ओपन करने के बाद ये खुल जाएगा, एक पैराशूट निकलेगा, और फिर एक प्लेन आएगा जिसको गाइस आप लोग यहाँ पे हुक अपना बैग से कनेक्ट कर सकते हो और उड़ जाओगे। फिर ये आप लोगों को ले जाएगा जोन के अंदर, मतलब भाई अगर आप लोग जोन के बाहर है बहुत दूर और कोई गाड़ी नहीं है तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, और अगर यहाँ पे एक प्लेन आएगा जिसे अगर आप लोग कनेक्ट हो सकते हो और फिर जोन के अंदर जा सकते हो। और मैं आप लोग को पहले बहुत सारे गेम पे दिखा के समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे देख ही सकते हो, तो बढ़िया फीचर है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फीचर जो कि होगा असॉल्ट मोड इन सैनोक मैप। आपको पता है 1.9 का अपडेट में हम लोग का असॉल्ट मोड ऐड हुआ, जहाँ पे गाइस आप लोग रैंगल और लिविक के अंदर TDM बैटल कर पाते हो, मतलब भाई एक छोटा सा एरिया होगा जहाँ पे गाइस आप लोग फाइट कर पाते हो, तो सेम यही फीचर ऐड होने वाला है फाइनली सैनोक मैप के अंदर। तो यहाँ पे गाइस आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो जो मैप आप लोग लगाना है वो लगा सकते हो, और सैनोक मैप में भी गाइस आप लोग इस तरह का TDM का मजा ले सकते हो, तो भाई यहाँ पे चलो बढ़िया बात है। और आने वाले अपडेट्स में मुझे लगता है कि हम लोग का मिरावर मैप में भी ये आ ही जाएगा, जिसमें गाइस हम लोग मिरावर मैप में भी खेल पाएंगे ये असॉल्ट मोड। खैर उसके बाद गाइस जो हम लोग का नेक्स्ट फीचर है वो है बैन पैन 2.0। तो भाई यहाँ पे 3.0 आई थिंक होना चाहिए था, बट मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या है, मतलब भाई यहाँ पे बैन पैन होता रहता है, लेकिन फिर भी गाइस गेम में हैकर कम नहीं हो रहे, तो क्या पता गाइस ये लोग क्या कर रहे हैं। मतलब भाई यहाँ पे हैकर्स को बैन तो कर रहे हैं, बट फिर भी गाइस हैकर बढ़ते जा रहे हैं। तो चलो गाइस अभी बात नहीं करेंगे, मतलब भाई आप लोग चाहो तो वीडियो चेक कर सकते हो, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद बात करते हैं जो हम लोग का कोलैब होने वाला है नेक्स्ट अपडेट में उसके बारे में। तो यहाँ पे गाइस ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, सबसे पहला कोलैब होने वाला है वो एनिमी के साथ, मैंने आप लोगों को दिखाया था जो हम लोग का कैरेक्टर सब आएगा न्यू इवेंट, जिसका नेम है नियोन जेनेसिस इवेगेलियन, तो ये भी हम लोग का आने वाला है मई में ही, जिसका एक मोड आएगा। फिर नेक्स्ट कोलैब सेकंड कोलैब होने वाला है टेडी बियर के साथ, और मैंने गाइस आप लोगों को दिखाया था कॉम्पेनियन, तो ये कोलैब के बाद ही आएगा टेडी बियर का, तो भाई बढ़िया है। और लास्ट थर्ड कोलैब होने वाला है ब्लैक पिंक के साथ, तो फिर से गाइस दूसरा बार कोलैब होने वाला है ब्लैक पिंक के साथ, तो इस बार देखते हैं हम लोग को क्या क्या मिलेगा गेम में। और साथ में गाइस यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट अपडेट में फिर से मिलने वाला है कुछ न्यू PDP सेट, मतलब आपको पता है बहुत सारे बंदे यहाँ पे बना के देते हैं, और गाइस यहाँ पे हम लोग का जो BGMI है उसमें हम लोग को फायदा होता है, मतलब भाई हम लोग को फ्री मिल जाता है क्रेट्स के अंदर से, तो बढ़िया बात है। तो देखते हैं इस बार मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये था गाइस जो अनाउंसमेंट यहाँ पे बात हुआ था कि हम लोग का अनाउंसमेंट होने वाला है, और इसमें गाइस अभी कोई ओल्ड रैंगल का हिंट नहीं है, तो इसलिए गाइस ओल्ड रैंगल नहीं आएगा, और वो गाइस अभी देखते हैं फ्यूचर में आएगा या नहीं आएगा। तो चलो यार आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।